राम राम किसान भाइयों, क्या आपका भी लहसुन कम भाव जाता है? अगर आपका लहसुन 8,000 रुपए क्विंटल जाता है और आप चाहते हो कि 10,000 से 12,000 रुपए क्विंटल जाए, तो आज का वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका जो लहसुन है उसकी कटाई आपको कर लेनी है। कटाई करने के बाद आपको अच्छे से उसकी सफाई करनी है। सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, ग्रेडिंग करनी है। कहने का मतलब है ग्रेडिंग में कि आप ए ग्रेड का लहसुन जो सबसे मोटा है उसको अलग निकालें, तो उसके बाद बीच वाली क्वालिटी का अलग निकालें, उसके बाद बिल्कुल बारीक अलग निकालें। आपको इस तरीके से ग्रेडिंग करनी है। और जो बिल्कुल ए ग्रेड वाला जो आपका लहसुन है उसको आप क्या करते हो, कट्टे के अंदर भरकर मंडी में ले जाते हो। और जैसे मंडी में ले जाते हो तो वहाँ पर उसका भाव आपको कम मिलता है। आपको क्या करना है कि उस ए ग्रेड का जो लहसुन है उसको आपको, ये इस तरीके के गत्ते आते हैं, कार्डबोर्ड आते हैं, इन गत्तों में भरकर आप मंडी में ले जाए। ये जो गत्ता है, अगर हम बात करें तो 50 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच बीच आपको अलग अलग क्वालिटी के गत्ते आपको मिल जाएंगे। ये गत्ता कुछ इस तरीके का आता है, इस पर गार्लिक लिखा होता है और बेस्ट क्वालिटी लिखा होता है। कहने का मतलब है आपको क्वालिटी को मेंटेन करना है, कुछ नहीं करना है इसको। आप किस तरीके से नॉर्मल आपको गत्ता बना लेना है, ये गत्ता बना बनाया आता है, फोल्ड हमें इसे करना है। फोल्ड करने के बाद आप टेप लगा सकते हो इस तरीके से। ये आपने फोल्ड कर लिया, ये आपका गत्ता बन गया। और गत्ता बनने के बाद आपको जो आपके ए ग्रेड वाला जो लहसुन है उसको इसके अंदर भर लेना है। देन आपको इसको पैक करके मंडी में ले जाना है। इससे होगा क्या कि एक तो जो लहसुन है वो भी ख़राब नहीं होता है, गत्ते के अंदर काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है। ये वही वाली बात है, आपने देखा होगा अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी वस्तु परचेज करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर बताया क्या होता है कि एक नॉर्मल होता है खुली हुई चीज़, अगर आप लोगे तो आपको कम चीज़ में मिलती है, अगर उसी चीज़ का पैकेट आप लोगे तो महंगा आपको मिलता है। ये वही वाली बात है, आपका जो लहसुन है अगर आप इन गत्तों के अंदर भर के ले जाओगे तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि एक तो क्वालिटी आपकी मेंटेन हो जाएगी, जो लहसुन इसके अंदर रहेगा वो अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, कट्टों में इतना नहीं रहता है, तो यहाँ क्वालिटी आपकी देखेगी। और जब मंडी में उसका भाव लगेगा तो ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल आपका जो वही लहसुन आपका 8,000 रुपये क्विंटल जो जा रहा था गत्ते के अंदर, वही लहसुन आपका 10,000 से 12,000 रुपये क्विंटल में बिकेगा। तो देखो ये जो है गत्ते, मंडी के बाहर जो दुकानें होती है वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल गत्ते आपको ले जाने हैं क्योंकि अभी लहसुन का भाव काफ़ी अच्छा है, गत्तों की जो रेट है वो आपके निकल जाएगी, गत्ते ले जाए। और जो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ए ग्रेड का जो लहसुन है बिल्कुल बढ़िया साफ आपको करना है। देखो ग्रेडिंग करनी पड़ेगी तब जाके अच्छा भाव आपको मिलेगा। ग्रेडिंग करने के बाद इन गत्तों के अंदर आपको भरना है, देन इन्हीं गत्तों को आपको मंडी के अंदर ले जाना है। अरे आपने देखा होगा ना कि जो फल फ्रूट वगैरह होते हैं, कई बार जो फल होते हैं नॉर्मल वो हमें कम भाव में मिल जाते हैं, बट वही फल अगर आप गत्ते के अंदर लोगे, ठीक है, उस पर आपने देखा होगा स्टिकर वगैरह लगा होता है, तो वो आपको महंगा मिलता है, टेस्ट वैसा ही होता है। तो आपको वही करना है, क्वालिटी को मेंटेन करना है, ए ग्रेड को आपको अलग निकालना है, देन गत्तों में भरना है, उसके बाद आपको मंडी में ले जाना है, आपका भाव आपको अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। राम राम।